असला वरम वर्करे कर्ा के मौजूद पर माजी में इशारतन और किनायतन बहुत सारे आसाबी अमराज के अतबार से एक वीडियो में अरज कर चुका था लेकिन अब दोबारा डायरेक्ट अकरे करहा के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ अकरे कर हमारे यहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान और ईरान में और अरबों में तो इसको अकरे क्राह ही कहा जाता है अंग्रेजी में आप पेलीटोरी रूट कहते हैं इसको इंडिया में अकर कराह बोलते हैं बांग्लादेश में

और पैदा होने के एतबार से दुनिया के तकरीबन काफ़ी ठंडे ममालिक में ऐसा ठंडा जहां पहाड़ी इलाका भी है वहाँ ये पाया जाता है अगर बांग्लादेश में लेनी है तो वहां पे सिलहट का इलाका चूंकि पूरा पहाड़ी है वहां के लोग भी दिखने में वो लगता है कि पठान है ठीक है तो वहां भी ये पाया जाता है इंडिया के भी तमाम ठंडे इलाकों में शिमला में पाया जाता है बड़ी कसरत से पाया जाता है जितने भी उसके ठंडे इलाके हैं नादरन के इलाके हैं वो सारे के सारे में पाया जाता है हमारे पाकिस्तान में गिलगित और अस्करू के इलाके में अकरे करहा पाया जाता है पहली बात तो ये हो गई और उसके बाद ये कि करा करता है क्या है लकड़ी की फॉर्म में मिलता है आपको और ये जब भी लेंगे तो दांत में काली मिर्च बराबर आधी काली मिर्च बराबर इसको काट के ना लकड़ी को छिपाएंगे तो मुंह में करंट आना चाहिए ऐसे लगे कि मुंह में किसी ने नो वोल्ट की बैटरी लगा दी है सेम इस तरीके का करंट आना चाहिए पूरे मुंह पे अगर आ रहा है तो ठीक है ये असली है बाकी कुछ लोगों ने कहा कि आजकल कुछ लोग ऐसा केमिकल मिला देते हैं उससे भी वो करंट वाली कैफियत पैदा हो जाती है तो ऐसों को अल्लाह पूछे अभी मैं और क्या कर सकता हूं? आपके वाला चाहिए करने को तो ये मर्दाना ताजा करता है क्यों गुद्दी मुकवी लेकिन दुनिया का अकरे करा दुनिया का वो अजूबा है जो एक ही में मुकवी भी है और एक ही वक्त में गुद्दी मुहरिक भी है ग्लैंड सिस्टम को तहरीक भी देता है और ताकत भी देता है मकसद एक ऐसा कुछ नहीं होता वरना दुनिया की हर दवा जो होती है या तो तहरीक दे रही है या मुकवी है या तहलील दे रही है लेकिन ये अजूबा है जो एक ही वक्त में तहरीक भी देता है ग्लैंड सिस्टम को तहरीक के साथ मुकवी भी है अब ग्लैंड सिस्टम में आपके क्या क्या आ जाता है ओवरी आ गई पेनिस आ गया उसमें तनासुल आ गया इसी तरह ग्लैंड आ गए गुर्दे आ गए जिगर आ गए मसाना आ गया, गया। फेफड़ा है तो आसाबी लेकिन फेफड़े को भी फायदा होता है फेफड़ा हुई नहीं है ग्लैंड नहीं है लेकिन आसाबी चीज है लेकिन वो फ़ायदा उसको भी होता है इसी तरह दिमाग के लिए इंतहाई मुफीद है आंखों के लिए बाई ये जितने भी तालीमी लोग होते हैं ना प्रोफेसर पी एच डी हजरात या फिर रूहानी काम करने वाले रूहानी इलाज करने वाले या बहुत मसरूफ जिंदगी गुजारने वाले उनकी उल्टी आंख डैमेज होना जरा जल्दी शुरू हो जाती है पचास सौ होते ही उल्टी आंख में डैमेजिंग आती है आम सी बात है तो उल्टी आंख की जो कमजोरी उसको इंतहाई मुफीद है ये दांतों को ही मुफीद है अंदर बंदे को तलब ही नहीं होती ज़बरदस्ती खाना दे दिया तो ढूँस लिया नहीं तो ठूँसने को मरी नहीं रहे तैयार ही नहीं है खाना खाने को तो उसमें पेट में आँतों में इतना बलगम हुआ इतना बलगम कि आँतों में तकरीबन फालिद जैसी कैफियत है तो वो चिल्लाई नहीं रही कि मुझे खाना दो मुझे खाना दो जब तो आँते नहीं मांग रही हैं तो पेट को भी नहीं मिलेगा मैदे को भी नहीं मिलेगा तो सब छुट्टी पर जाओ तो ऐसी सूरत में खिलाना से घट्स के मसाइल हैं इसको फ़ायदा होता है और उसके बाद जो है दिल की तहरीक को भी अच्छा करता है टेंशन डिप्रेशन एनजाइटी को भी अच्छा करता है जीप चीज़ है और सबसे बड़ी चीज यह है कि ग्लैंड के बाद बाद हमने कहा था कि मुहरिक भी है तो पता चला कि दिमाग को के लिए इंतहाई मुफीद है दिमाग में बंदे को हम इसको बनाते हैं तो एक यू फाइव सी पी के नाम से क्योंकि जौहर उड़ा के बनाते हैं अभी पाउडर बनाएंगे तो कितना भर भर के देना पड़ेगा लिहाजा जौहर उड़ा देते हैं इतना छोटा सा दे देते हैं पी के नाम से ठीक है तो यह सीपी चाइल्ड में दिया जाता है और जबान पर मला जाता है मिर्गी वाले को दे दिया जाता है दिमाग में काम का लोड बहुत होने के बाद अगर एनजाटी की कैफियत आ रही तो ऑफकोर्स दिमाग उसको ताकत चाहिए तो उसमें भी जबान पे मला जाता है इसकी पैंसठ एम जी सिक्स एम जी मेदार बहुत होती है उसके अलावा जो जो है 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 बदन में गैस जो है ना वो रुक जाती है। खारिज होने की कैफियत नहीं होती है तो सूरत में भी इस्तेमाल होता है इसी तरह दांतों के मसाइल मसूड़ों के मसाइल में भी ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है पुराने जमाने में इंडिया में डाबर कंपनी बहुत मशहूर है आज भी काम करती है वो एक दांत का मंजन बनाती थी कुल्ली के नाम से तो उस दौर में खरा सस्ता था तो बाहर इतना स्मगल या एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था तो मंजन तक बनते थे उसके लेकिन अभी इतना महंगा हो गया

दे दिया जाता है और बच्चों को जो नाली ना पैसठ से ज्यादा नहीं दिया जाता, और नहीं पिलाया जाता। इसको ज़बान है बारीक हो। मोटा हो एक दफा जौहर उड़ाते हैं तो हम इसको ए क्यू फाइव सी पी के नाम से देते दे हैं लेकिन अगर इस जौहर का सात पानी वो जो जौहर बनाने वालों का काम है सवाल पूछने से जवाब नहीं मिलेगा तो जौहर उड़ाते हैं वो जानते वो सात पानी का जौहर उड़ाते हैं तो वो सात पानी के जौहर के बाद करामत हो जाता है। तो ये जेब में रखा जाता है और गुंगों के पास बोलने में हो, का केस हो, फिर नहीं करेगा तो फिर, फिर दीवार आपको प्लास्टिक सर्जरी वालों से बनानी पड़ेगी तो उसमें फिर अगर सात पानी का जोहर आपने बनाया हुआ है जो जोहर बनाते हैं बस वही तो दीजिएगा तो उसमें फिर मौजा और करामत दिखाते हैं बाबे तो जेब में रख हैं और वाले हल्का सा कलमे वाली उंगली टच की जबान पे मला और कुछ भी पढ़ना शुरू कर दिया जैसा वहाँ का माहौल हो जैसे वहाँ के लोग मजहब रखते हैं उसके मुताबिक कुछ भी पढ़ दिया तो उसमें उंगली निकालने से पहले उसमें जबान में आ जाती है टाइम लेगा नॉर्मल टाइम ले ज्यादा अच्छा कोई मसला नहीं है काम जल्दी नहीं होना चाहिए तो इस तरीके से देखें तो दुनिया की कीमती तरीन चीजें पाकिस्तान में अच्छी मिकदार में लेना हो तो गिलगित अस्करों से आप रबेंगे इंडिया वाले शिमला वालों से रबता करेंगे बांग्लादेश देश वाले सिलहट से करेंगे तो ये मिल जाता है क्योंकि वहां मुकामियों से रखा करेंगे तो सस्ता पड़ेगा वैसे इलाके से लेंगे तो जगह फरमाया था इसमें क्या होगा बीच में जो कमीशन एजेंटी हो रही ना उससे दोनों बच गए हो खरीदने वाले को सस्ता पड़ेगा और बेचने वाले को मुनाफा अच्छा मिल जाएगा तो हदीस पर अमल करोगे तो फिर जिंदगी तो आसान होगी अच्छी तो होगी फायदे में तो आओगे ठीक है दुआ में याद